सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोलर गीजर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों सोलर ये गीजर का, दोस्तों इसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर वाला जो है ये आउटलेट है और नीचे वाला इनलेट है गीजर का। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं MMET में थर्मामीटर लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच का दोस्तों, इसको फिट करने के लिए 1 इंच का MMET चाहिए। वही दोस्तों ब्रास वाला, क्योंकि दोस्तों GI थ्रेड का है, इसमें आप ब्रास वाला MMET ज़रूर यूज कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मैं MMET में थर्मामीटर लगा चुका हूँ। उसके बाद मैं जो जो चाहिए सब CPVC में पूरा, क्योंकि गर्म का लाइन आपको CPVC में करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों NRB है, दोस्तों PVC का NRB है, जो दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व का भी काम करता है। और दोस्तों इसमें यूनियन भी सिस्टम है, इसमें दोनों काम एक साथ पहुँचाता है, आपको अलग से यूनियन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दोस्तों पानी इसमें बैक नहीं होगा और साथ में इसमें से खुल भी जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये नॉन रिटर्न वाल्व है, जो कि आपको दोस्तों मैं आपको अभी बताऊँगा ये कहाँ पर आपको लगने वाला है। दोस्तों आशीर्वाद का ये दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व है, काफ़ी ज़बरदस्त है और सस्ता भी है, आप यूज कर सकते हो इसको। आशीर्वाद कंपनी में नया लॉन्च किया है इसको। और सर यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं MMET को दोस्तों टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। MMET में टेपनोटेप लगा के आपको, क्योंकि GI थ्रेड है, थोड़ा टेपनोटेप ज़्यादा लगा कर आपको ऐसे दोस्तों थोड़ा CPVC का सॉल्यूशन देकर आपको ऐसे दोस्तों पाना से बांकी से टाइट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही खास वीडियो है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बंगला में कैसे दोस्तों सोलर गीजर जो है इसके लिए प्लम्बिंग के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पहले मैं सब में MMET लगा चुका हूँ। देख सकते हो दोस्तों सोलर जो है कांच सिस्टम है, इसमें से दोस्तों धूप जो होता है सन, उससे दोस्तों पानी को गर्म करता है, गर्म होता है पानी। तो दोस्तों सबसे पहले इनलेट आउटलेट सब में आपको MMET लगा लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हो दो दोस्तों सोलर गीजर है, ठीक है। उसमें से मैं आपको एक में करके आपको बताऊंगा दोस्तों, कॉन्वर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि बाथरूम का पॉइंट ज़्यादा है, अगर आपको बाथरूम कम होता है तो आप एक भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दो गीजर को मेरे को एक में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला वाला जो गीजर का है दोस्तों, उसका मैं इनलेट का जो पॉइंट है उसको मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो टेपनोटेप से MMET पहले लगा चुका हूँ, उसके बाद में ये यहाँ पे मैं नॉन रिटर्न वाल्व दोस्तों लगा रहा हूँ। दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व आपको गीजर का हमेशा जो आता है इनलेट में लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इनलेट में आपको लगाना है। दोस्तों सबसे पहले इनलेट में मैं नॉन रिटर्न वाल्व को लगा लेता हूँ। अब चाहो तो दोस्तों आउटलेट में भी लगा सकते हो, क्योंकि आउटलेट में भी पानी, लेकिन सोलर गियर में आपको आउटलेट में जगह नहीं लगाने कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इनलेट में आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। नॉन रिटर्न वाल्व को लगा लें, उसके बाद में दोस्तों बॉल वाल्व मैं लगा दूंगा, क्योंकि पानी चालू बंद करने में पहले नॉन रिटर्न वाल्व, और ये साथ में दोस्तों यूनियन के भी काम करते हैं, इसलिए अलग से इसमें यूनियन में दूंगा नहीं। आप देख सकते हो एरो को आपको ऐसे ऊपर रख के लगाना है, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इसको मैं पाइप को काट लेता हूँ और लगा दूँ। दोस्तों वीडियो को एक थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिएगा जरूर, बहुत ही खास वीडियो है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सोलर गीजर जो होता है उसके सिस्टम को बहुत दोस्तों महंगा पड़ता है। अगर आप इनलेट आउटलेट और कनेक्शन में थोड़ा भी गड़बड़ कर देते हो तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है, ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये बॉल्व मैं इसमें लगा देता हूँ। सबसे पहले आपको फिटिंग में दोस्तों पाइप में देना है, उसके बाद में फिटिंग में सॉल्यूशन देकर आपको बॉल्व वाल्व को दोस्तों लगाने के बाद में, लगाने से सॉल्यूशन देने के बाद में आपको चालू बंद करके देख लेना है, ताकि जो है सॉल्यूशन अंदर ना चला जाए। और दोस्तों काफ़ी बार हम देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन अंदर जाने ज़्यादा अगर चला जाता है, तो फिटिंग में अगर पहले दे देते दोस्तों बॉल्व वाल्व जो है चालू बंद होता नहीं है, ठीक से काम करने नहीं लगता है, क्योंकि अंदर सॉल्यूशन चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद दोस्तों मैं इनलेट में बॉल वाल्व को मैं लगा दिया हूँ। ये दोस्तों जो है गीजर, पहला वाला गीजर का जो है इनलेट में कनेक्शन कर रहा हूँ। और दोस्तों आउटलेट, इसका मैं आउटलेट को दोस्तों कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे हैंड कैप लग जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि दो गीजर को मेरे को एक में कनेक्शन करना है। और कैसे करना है
आप अगर इस वीडियो देखते हो तो पूरा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक में जो है पानी स्टोरेज होगा और एक से दोस्तों पानी वापस जो है लाइन का जितना बाथरूम में गर्म पानी जाएगा उसके हिसाब से मैं ये सिस्टम बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इनलेट का पाइप को कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन जैसे आपको ऐसे लगा लेना है पाइप में फिटिंग्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों दोस्तों नीचे एक टी लगा चुका हूँ, टी में ये है, वहाँ से कभी अगर चाहिए तो एक पॉइंट आप इनलेट में से, क्योंकि सोलर गीजर में दोस्तों हमेशा एक कभी कदर दोस्तों पानी भी मार के धोना पड़ता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे टी ला चुका हूँ। बाद में मैं वहाँ पे एक दोस्तों बल्ब लगा के पाइप लगने वाला है वहाँ पे, इसीलिए इनलेट में एक टी भी वहाँ पे लगा चुका हूँ, क्या कि इसको धोना भी पड़ता है, कभी धोना वोना हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इनलेट का मैं ये कनेक्शन कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमेशा जो गीजर में आपको अच्छा वाला ही पाइप लगाना है, क्योंकि दोस्तों सोलर गीजर में जो है पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, 60 डिग्री टेम्परेचर में पानी यहाँ पे गर्म होता है, तो इसलिए HDR11 का आप यूज कीजिएगा जरूर, अच्छा महंगा वाला जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों पहला वाला गीजर का जो है का इनलेट में मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। उसके बाद में उसका आउटलेट और दोस्तों दूसरा वाला गियर का इनलेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनलेट है दूसरा वाला गियर का और पहला वाला गियर का ये आउटलेट में मैं यूनियन लगा चुका हूँ। दोस्तों दूसरा वाला गियर का जो है आउटलेट उसमें हैंड कैप लग जाएगा और पहला वाला गियर का भी आउटलेट में दोस्तों उसमें हैंड कैप लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों दूसरा वाला गियर का आपके यहाँ पे ध्यान देना है, दूसरा वाला गियर का पहला वाला गियर का आउटलेट और दूसरा वाला गियर का इनलेट में मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि दो गीजर है दोस्तों। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों दोनों इसमें एक बल्ब और यूनियन में लगा चुका हूँ, ठीक है, और इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये दोस्तों एल्बम सॉल्यूशन, और पहले आपको देख सकते हो अगर दोनों गियर को दोस्तों कभी अलग करना है तो आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यूनियन इसमें लगा चुका हूँ और बल्ब भी है दोस्तों पहला वाला गियर में, मैं इसमें बॉल बल्ब लगा चुका हूँ ताकि यहाँ से पानी भी बंद हो जाएगा और इस ये गियर जो है खुल जाएगा। पहला वाला दोस्तों गियर का उसके बाद में दोस्तों मैं सॉल्यूशन से इसको लगा देता हूँ। दूसरा पहला वाला गियर का आउटलेट और दूसरा वाला गियर जो है उसका इनलेट में मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन कर रहा हूँ बल्ब देकर, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वाला जो गियर है दोस्तों उसमें से दोस्तों गियर का आउटलेट जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है दोस्तों दूसरा वाला गियर का, यहाँ से पानी पूरा लाइन में जाएगा। ये दूसरा वाला गियर में मैं यहाँ पे यूनियन बल्ब लगा चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन है ये मेन लाइन में कनेक्शन हो जाएगा, जिसमें से दोस्तों गर्म पानी आउटलेट होकर बाथरूम में सप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं लाइन भी रीडिंग लाइन में आपको कनेक्शन करके बताऊंगा। ये दोस्तों आउटलेट है, ठीक है, दोनों गियर में से दोस्तों एक में इनलेट और दूसरा में आउटलेट होकर पानी जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज में आसानी होगा और दोस्तों पानी भी आपको कभी शॉर्टेज नहीं होगा और पानी बहुत ही ज़्यादा आपको हमेशा अगर आप नल खोल दोगे तो आपको गर्म पानी तुरंत मिल जाएगा। ये सिस्टम दोस्तों बहुत ही बेहतर सिस्टम है अगर आपको दो सोलर गियर लगाना, क्योंकि दोस्तों इस बंगले में बाथरूम काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं दो सोलर गीजर यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर गीजर में फिट कर रहा हूँ। दोस्तों ये दोस्तों आउटलेट में मैं इसका रिंग लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हो काट कर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये दोस्तों हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्शन, ये जो है दोस्तों आउटलेट में कनेक्शन होगा, यहाँ से जो है पूरा जितना भी गर्म पानी है बंगला का इसमें लाइन में सब में पानी जाएगा आउटलेट में। उसके बाद में दोस्तों जितना एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हो पहला वाला का जैसा आउटलेट और दूसरा वाला का आउटलेट उसमें वो सबसे आपको जितना एक्स्ट्रा पॉइंट है वहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा एंड कैप लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इस सब में मैं एंड कैप लगा देता हूँ। यहाँ पे जितना आपका जो पहला वाला गियर का दोस्तों आउटलेट और दूसरा वाला गियर का जो दोस्तों आउटलेट है ये सब मैं आपको जितना काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें
दोस्तों हैंडकैप देगा, हैंडकैप आपको लगा देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।